नमस्कार अमरीदनो, आप देख रहे हैं सूटी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मानस सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने इतना बढ़िया चर्चा के लिए अपना एक समय निकाला। आप लोग भी सरप्राइज हो गए कि पहली बार यूट्यूब पे इस तरीके का डिस्कशन, बेसिकली ये डिस्कशन मानस सर इसलिए हम लोग करने जा रहे हैं, बच्चों की इंक्वायरीज आ रही थी। इन दिनों पाठशाला पे हम लोगों ने PhD के कुछ वीडियोज डाल दिए और उन वीडियोज के माध्यम से बहुत सारे छात्र जो हमसे जुड़े हुए हैं वो बार बार एक क्वेश्चन करने लगे कि प्लीज सर कोई एक्सपर्ट हो जिसको आइडिया हो कि एक अच्छा प्रपोजल कैसे रेडी करते हैं। बेसिकली मानस सर प्रपोज करने तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन प्रपोजल रेडी करना बहुत कम लोग जानते हैं। तो प्रपोज करना और प्रपोजल रेडी करना बहुत बड़ा अंतर है, बहुत ज्यादा बहुत बड़ा अंतर है। तो हम लोग आज प्रपोज करना तो आप जानते हो, वो आप हमें सिखा देना। प्रपोजल कैसे रेडी करना है ये मानस सर आपको सिखाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया नीर सर। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जब ऐसा मिलता है ना, तो हमको भी खुशी होती है कि हम अपने जो साथी हैं उन सभी को बता सके कि प्रपोजल बनाते कैसे हैं। बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने भी यूट्यूब पे देखे होंगे, शोध गंगा पर साइट्स पर आप गए होंगे, तमाम सारी रिसर्च की होगी आप लोगों ने, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आखिरकार जो एग्जाम हम देने जा रहे हैं जिसको PHU ने निकाला है रिसर्च एबिलिटी टेस्ट के नाम से, जो कि मुझे लग रहा है पहली बार होने जा रहा है पूरे अभी तक PHU की PhD एडमिशन पहली बार ऐसा हो रहा है कि रिसर्च एबिलिटी टेस्ट लिया जा रहा है। और उसमें BHU या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से नहीं, आपके ही सब्जेक्ट को रख रही है। ये बहुत अच्छी बात, ठीक है, एक रीडिंग एग्जाम, हाँ, जिससे वो टच करेंगे कि आप काबिल हो कि नहीं हो। हाँ, और आपको अच्छी बात है, आपको पता है कि लिखना क्या है। और हाँ, पेपर पहले से आउट है, पहले से आउट है पेपर, आपको लिखना क्या है, बट किस तरीके से लिखना है वो आज हम आपको बताएंगे। और ये पूरी वीडियो मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा, अगर मुझे ये पता हो कि पेपर आउट है तो मैं तो पूरा लाइन और जो वर्ड्स हैं वो भी कट के जाऊंगा, भाई मैं यही लिख के सीटें कम है ना, मुझे पता है कि यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस 0% है, तो भाई मैं तो ऐसा कॉपी लिख के आऊंगा कि कोई इस कॉपी को फिर अनदेखा ना कर सके। तो ये तो है, देखो, तो मानस सर मैं चाहूंगा कि प्लीज एक एक पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो सीधे जानते हैं कि एक अच्छा प्रपोजल रेडी कैसे करते हैं, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन जो इन्होंने ऑफिशियली हमारे सामने रखा है हम लोग उसी में जानते हैं। सबसे पहला यहाँ पे बोल रहे हैं 5 domains में इंट्रोडक्शन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ स्टेटमेंट। एक्चुअली सर इसमें हमें प्रपोजल में क्या लिखना चाहिए? देखिए, जब भी हम लोग रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, ठीक है, तो ये तो रिसर्च प्रपोजल बनाने से पहले आप अपनी पात्रता जान लें कि आपको इंटरव्यू कॉल होगा या फिर एग्जाम के लिए कॉल लेटर आएगा या नहीं आएगा। उसके लिए जो पिछले वाली स्लाइड है उसमें हमने लिख रखा है, ठीक है, कि जो लोग नेट JRF हैं ये एग्जाम उन लोगों के लिए है, सभी के ईमेल्स पर जिन लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, फिल किया था, उनके मेल्स पर गया हुआ है ये मैसेज। तो जो नेट JRF है उनके ही मेल्स पर ये मैसेज गया हुआ है, इसका मतलब है कि उन लोगों को आना है। पहली चीज की ये एग्जाम्प्टेड वाले, ये एग्जाम्प्टेड वाले हैं, पहली चीज, ये रेट वाले नहीं, रेट वाले नहीं, ये बच्चे भी बाद में बुलाए जाएंगे, ये बाद में बुलाए जाएंगे, उनका सीधा इंटरव्यू होगा, सीधा इंटरव्यू, ठीक है, ये सब नेट जा रहे हैं। तो क्या ये बच्चे जो एग्जाम्प्टेड वाले हैं ये अभी कॉलिंग होगी इनकी इंटरव्यू के लिए? अभी इंटरव्यू के लिए कॉलिंग तब होगी जब आप इस रिसर्च एबिलिटी टेस्ट को मिनिमम 40% मार्क्स रखे गए हैं, मतलब के 50 मार्क्स में आपको 20 मार्क्स लाना जरूरी है। अच्छा, आप 20 मार्क्स अगर लाओगे तो यू विल कॉल एज अ कॉलिंग कैंडिडेट, मतलब इंटरव्यू कैंडिडेट के, इंटरव्यू कैंडिडेट के लिए आपको बुलाया जाएगा। इसके बाद फिर अब आप उस पर बातचीत कर लेते हैं कि आपने पूछा कि एक रिसर्च प्रपोजल में जो है क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो BHU ने अपनी नोटिफिकेशन गाइडलाइंस प्रोस्पेक्टस जारी किया था, उसमें जो थर्ड कॉलम था उसमें साफ साफ लिख के दिया था कि हम 5 headings देंगे, 5 headings, ईच हेडिंग जो प्रत्येक हेडिंग होगी आपकी 10 marks की होगी, ठीक है, टोटल 50 मार्क्स। समय भी इसमें मेंशन है, 1 घंटे का टाइम है आपके पास, और 1 घंटे में आपको पेन पेपर से आपको A4 साइज पेपर दिया जाएगा, आपको अपने प्रपोजल को 1 घंटे में लिखना है पूरा, ठीक है। और आपको पता ही, आपको क्वेश्चन तो पता ही होगा, आपका प्रपोजल ही है ना। अच्छा, जिस भी विषय से आते हैं। अच्छा, फिर भी एक मेरे पास प्रॉब्लम आता है बच्चों की तरफ से आया था कि क्या कोई हिंदी का है और वो हिस्ट्री में जा रहा है, तो ऐसा है क्या, मतलब वो क्रॉस चेंज कर सकता है क्या PG वाले कोर्स से? नहीं नहीं नहीं, आप PhD में उसी सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपने PG करना है, और विषय भी आपके उसी PG से होना चाहिए, विषय भी आपको उसी, भाई यहाँ पे दिमाग में बैठा लो, मींस आपका जो रिसर्च प्रपोजल टॉपिक है मस्ट बी फ्रॉम योर PG एंड योर डोमेन सब्जेक्ट। हाँ, डोमेन सब्जेक्ट पढ़ाई किया हो, जैसे कि यदि आप हिंदी से हैं तो हिंदी के बारे में ही आप रिसर्च करेंगे, लाइक आप किसी सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट को टॉपिक को नहीं हिंदी में ला सकते हैं, ठीक है। तो 5 headings दी गई है उसमें, पहला दिया गया है इंट्रोडक्शन, ठीक है, एंड प्रॉब्लम
स्टेटमेंट, तो जो इंट्रोडक्शन लेना है, कई बार होता है कि जैसे मैं हिंदी से हूँ लाइक, तो किसी ने प्रेमचंद्र पर किसी ने बनाया कि प्रेमचंद्र कृषक वर्ग के या अभिजात वर्ग के या फिर मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित संबंध रखते हैं, तो आपको प्रेमचंद के बारे में नहीं बताना है प्रेमचंद किस प्रकार से मार्क्सवादी विचारधारा से बिलोंग करते हैं, मार्क्सवादी विचारधारा किस प्रकार से प्रेमचंद में मौजूद है, उन एलिमेंट्स को आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। मैं समझ, ठीक है, मैं समझ गया, ठीक, मैं समझ गया, समझ गए। आपका कहने का मतलब ये है, नॉट लाइक कि हम जिस टॉपिक को पकड़ रहे हैं उसको पहले हम लोग एक लेख की तरह लिख के दिखा ले, ना पहले हमें जो विषय चूज किया है उस विषय को हमें वहां पे दिखाना है, विषय को आप स्पष्टीकरण कीजिए, विषय का स्पष्टीकरण इसको बोलते हैं, ठीक है, क्लेरिफिकेशन दीजिए। अच्छा, इसके बाद आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, नहीं उसी में है, पहली हेडिंग में ही है, दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अच्छा, ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, जब भी हम रिसर्च में जाते हैं तो सबसे पहले खोजते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तभी तो हम उसका सॉल्यूशन के रूप में रिसर्च को लाएंगे, ठीक है। लाइक हमको टाइफाइड हुआ है तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो पहले बोलेगा कि आप ब्लड टेस्ट करवाइए, इसके बाद तभी वो आप दवाई अच्छे से लिखता है। तो सही डॉक्टर कौन है, वही है जो पहले आपके ब्लड चेक करे इसके बाद दवाई दे, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पर है कि आपको इंट्रोडक्शन देना है, इसके बाद बताना है क्या कौन सी प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण आपने यही टॉपिक चुना, यही टॉपिक, ठीक है, मतलब आप कहीं ना कहीं उस टॉपिक में एक क्लू निकाल पा रहे हो, एक लैक निकाल पा रहे हो, कमी निकाल पा रहे हो, और उस कमी को आप पूरा करने के लिए आपने टॉपिक चूज किया। जैसे कि प्रेमचंद के बारे में, अब मैंने टॉपिक ले ही लिया है, तो प्रेमचंद के बारे में, तो प्रेमचंद के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ब्राह्मण विरोधी तत्व है उनके कहानियों में, ठीक है, उनके कहानियों में गांव आता है, ये सब आता है, लेकिन एक विचारधारा जो है वो नहीं दिखती है, तो उसी विचारधारा को मैं अपने शोध विषय के रूप में लाना चाहता हूँ, जो कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड लिटरेचर गैप, हाँ, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर को आप किस प्रकार से रिव्यू करते हैं, अर्थात जब आप पढ़ रहे होते हैं शोध, किसी भी शोध को आप देखिए कि इस समय से पहले कितने शोध उस विषय पर हो चुके हैं या उससे संबंधित हो चुके हैं, ठीक है। यदि हमको महादेव वर्मा पर या फिर सपोज हमको मॉडर्न इंडिया पर कोई शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो मॉडर्न इंडिया से के मॉडर्न इंडिया पर ही कितने रिसर्च हो चुके हैं, उसमें मॉडर्न इंडिया पर आपको कितने सारे मूवमेंट्स हुए उन पर रिसर्च हो चुके हैं, या फिर कोई ऐसा भाषागत आंदोलन हुआ उन पर रिसर्च हो चुके हैं, जितने भी रिसर्च हो चुके हैं उनको आप मेंशन करेंगे, कितनी रिसर्च हुई है, कौन उसका निर्देशक रहा है, शोध निर्देशक कौन रहा है, यहाँ पे उस टॉपिक से रिलेटेड पहले ही जो रिसर्चर रहे उसको हम लोगों को बताना है, रिफरेंस बोल सकते हैं, एज अ रिफरेंस, रिफरेंस अलग है, बट रिव्यू ऑफ लिटरेचर में यही होता है कि कितनी पीएचडी इस पर हो चुकी हैं और आपकी जो पीएचडी है वो वास्तव में मौलिक है, अर्थात कंसीडरेशन करने लायक है कि नहीं, है कि नहीं, ठीक है, कि आप किसी का कॉपी पेस्ट तो नहीं उठा के रख दे रहे हैं, एग्जैक्टली, ठीक है। एम्स, आप देखिए आपका रिसर्च कर रहे हैं तो आप जो भी काम करेंगे उसका एक उद्देश्य जरूर होता है, ठीक है। यदि मैं रिसर्च कर रहा हूँ लाइक कबीर पर मेरी रिसर्च है, ठीक है, तो मैं भक्ति आंदोलन में कबीर की काम क्या महत्वता रही है, उन्होंने कौन कौन से ऐसे काम किए हैं जिसके कारण कबीर इतना ज्यादा महत्वपूर्ण पॉपुलर हो सके हैं भक्ति काल में, ठीक है। तो चूंकि उनकी साखी सबद रविंद्र रचनाएं हैं, उनके माध्यम से उन्होंने पूरा एक सामाजिक आंदोलन खड़ा कर दिया था, जाति व्यवस्था पर आप प्रहार करते हैं, हिंदू मुस्लिम पर प्रहार करते हैं, तो आपके जो उद्देश्य होगा वो क्या होगा, समाज पर प्रभाव डालता है, किस पब्लिक को प्रभाव डालता है, रिसर्चर्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, या फिर आने वाले जो बच्चे हैं पाठक वर्ग है उनके लिए बेनिफिशियल होगा, या फिर जो मनोरंजन वाले हैं उनके लिए बेनिफिशियल, किसके लिए आप कर रहे हैं, एम तो आपका क्या है, कितनी लाइन होना चाहिए लगभग, आपका एम लगभग 5 से 7 लाइन में हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास 1 घंटे का टाइम है, ज्यादा टाइम है नहीं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चंस, हाँ देखिए ऑब्जेक्टिव्स में आपने जब पूरा रिसर्च कर लेते हैं उसमें से आपको क्या मिला, क्या मिला आपको पढ़ने के दौरान, तो रिसर्च हुआ नहीं है फिर कैसे पता चलेगा कि मुझे आपने उसके लिए प्रिपरेशन तो की होगी। अच्छा, जो प्रिपरेशन के दौरान, जो प्रिपरेशन की है आपको पढ़ते हुए आपको क्या लगा, ठीक है, कि आपको लगा कि क्या वास्तव में कबीर जो है समाज सुधारक के रूप में हो सकते हैं, तो मैंने एक पॉइंट लिखा कि कबीर समाज सुधारक के रूप में है और एक उदाहरण दे दिया छोटा सा। वास्तव में जो रिसर्च एबिलिटी टेस्ट है वो एक टेस्ट कर रहा है कि आपके अंदर रिसर्च की एबिलिटी है या नहीं है। अच्छा। जो स्टेटमेंट्स हैं आप कर पा रहे हैं, सैंपलिंग होता है, एक सैंपल आप कलेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उन सब चीजों को लेकर है। रिसर्च क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्वेश्चन रेडी करना, हाँ, अब क्वेश्चन कौन से होंगे, तो क्वेश्चन कैसे रेडी होते हैं, देखिए जैसे आप, हमने कहा कि लाइक
कबीर को ही ले लेते हैं कि कबीर की भक्ति भावना, ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे कि कबीर के, कबीर जो थे, कबीर की भक्ति में ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो उनकी भक्ति को दर्शाते हैं, कबीर की भक्ति किस प्रकार की भक्ति है, ठीक है। तो क्या एक क्वेश्चन है, मतलब आप बनाएंगे, आप बनाइए कि आप प्रपोजल आगे चल के जब उस टॉपिक से रिसर्च करेंगे तो ये क्वेश्चन क्या आप गूगल फॉर्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते भी है कि आप इसका आंसर दीजिए? हाँ, गूगल देखिए, यदि रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, एक होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च, एक होता है क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव जो रिसर्च होती है आप उसमें सर्वे करते हैं, ठीक है, सर्वे करने के दौरान आपको कुछ क्वेश्चंस की आवश्यकता होती है, तो वही जो क्वेश्चंस आप सर्वे के दौरान यूज करेंगे, जनरल क्वेश्चन होते हैं, तो आप रिसर्च क्वेश्चन के रूप में उनको ले सकते हैं। मतलब आप बार बार जो सर के मुखरबिंदु से सुन पा रहे हैं कि सर हिंदी के रिसर्च स्कॉलर है तो उन्हीं को उसी को, लेकिन वो सभी के लिए ही है लगभग। आप इसको अपने विषय वस्तु पे जब तौलोगे तो मुझे लग रहा है आप बेसिकली वो चीजें पकड़ पाओगे कि क्वेश्चन की जरूरत कहाँ पड़ जाती है, आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं, लेकिन कहीं कहीं पे सभी में पड़ती है, नहीं कहीं कहीं पे ज्यादा पड़ जाती है क्वेश्चन आयर में, लाइक जैसे मैं बोलूं कि मास मीडिया, लाइक सोशल मीडिया जो है वो हमारी यूथ को कैसे इफेक्ट कर रही है और इन इंडिया में, तो उसके लिए प्रॉपर एक क्वेश्चन आयर की जरूरत जरूरी है। और उसको हम लोग सोशल मीडिया पे डालेंगे और फिलअप करवाएंगे और उसमें 1000-2000 लोग अपना फॉर्म फिलअप करके उससे हम लोग अपना एक कलेक्ट करेंगे डेटा, और वो डेटा अपने रिसर्च में कहीं मेंशन करेंगे। वो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। और यदि आपको नहीं समझ, कितने क्वेश्चंस लगभग होने चाहिए, मोटी मोटा लोग जानना, लगभग 3-5 प्रश्न आप ऐसे बनाइए ताकि जो चेक करने वाला हो आप उसको लगे कि ये बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। हाइपोथेसिस सर, हाइपोथेसिस होता है एक परिकल्पना। यदि आप एक रिसर्च आपने बना ली है और आप रिसर्च बनाने से पहले आप एक सोचते हैं कि काश मैं ऐसा करता तो ऐसा होता। अच्छा, ठीक है, लाइक यदि मेरी रिसर्च हो जाती है पूरी कंप्लीट, मतलब फ्यूचर सोच के चल रहे हो, फ्यूचर सोच के चल रहे हो कि यदि मेरी रिसर्च हो जाती है तो मैं इन इन एलिमेंट्स को इसमें डालूंगा, ठीक है, इसके बाद मेरी रिसर्च से ये ऑब्जेक्टिव्स निकलेंगे। अच्छा, इसके बाद मैं इसका उद्देश्य होगा ये, इस उद्देश्य से भी बड़ा उद्देश्य हो सकता है, लेकिन मुझे इस विषय पर केंद्रित रहना है, इसलिए मैं इस रिसर्च को इतने इतने तक सीमित करके चलूंगा। सर अब एक वन ऑफ द मोस्ट क्रीम क्वेश्चन आ गया, मुझे लग रहा है पूरे रिसर्च का एकदम मेथोडोलॉजी। देखिए सर, ये कैसे, मतलब इसमें तो शायद मुझे लग रहा है कहीं कहीं थोड़ा टेक्निकल एक रिसर्च चाहिए, पोर्शन है रिसर्च का। जो रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है, और मेथोडोलॉजी एंड सोर्स ऑफ डाटा, ठीक है, होता यह है कि आप कई बार यदि रिसर्च मेथड को ढंग से नहीं देखते हैं कि आपका मेथड क्या है, ठीक है, कोई भी तरीका है, यदि आप खाना खा रहे हैं, सपोज दैट थाली है, थाली में यदि आप दाल रोटी चावल सब्जी सब कुछ रखा हुआ है, जब एक प्रॉपर वे में खाएंगे, पहले दाल चावल फिर बाद दाल रोटी, और डिशेस ही डिफाइन करता है कि वो डिश किस चीज से खाया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जैसे कोई डिश चम्मच से खाते हैं, कोई चीज जब पेय पदार्थ ग्लास से पीते हैं, थाली नहीं पी सकते उसको, तो आपका कहने का मतलब है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम लोग बेसिकली वो जान पाते हैं किस इंस्ट्रूमेंट से हम रिसर्च करने वाले हैं, किस चीज से, बाय द मेथड, ठीक है, मेथड क्या होंगे, ठीक है, मेथड कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक जैसे कि आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड हो सकता है, ठीक है, और आपका क्वांटिटेटिव मेथड भी हो सकता है, ठीक, आपका साइंटिफिक मेथड भी हो सकता है, ठीक, आपका सैंपलिंग मेथड भी हो सकता है, आपको सैंपलिंग भी हो सकता है, रैंडम और स्लो वाला, ठीक है, कौन सा मेथड होगा, या फिर आपका ये हो सकता है कि लाइक रिसर्च कर रहे हैं आप, ठीक है, और इसके बाद आपको देखना है कि मेरे पास डाटा कलेक्ट है, ठीक है, डाटा है, डाटा आ गया, ठीक है, लेकिन डाटा को कहाँ यूज करना है इसको, ठीक है, लाइक मेरे पास विवरण ऐतिहासिक पद्धति, हिस्टोरिकल मेथड भी बोलते हैं इनको, ठीक है, यदि आप सोशियोलॉजी के हैं, ठीक, तो सोशियोलॉजी में आपको करंट मेथड से जोड़ना होगा, ठीक है, सर्वे वगैरह करेंगे, तब हिस्ट्री से हैं तो आपको ऐतिहासिक पद्धति को अपनाना पड़ेगा, मतलब इतिहास की पुस्तकों से, इतिहास के जो साक्ष्य हुए उनसे आपको लेना पड़ेगा, तो आप वहां पे मेंशन करेंगे मैंने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया। किसी भी साक्ष्य को यदि आप हिस्ट्री से उठाते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा मैंने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया। यदि आप किसी चीज का विवरण करते हैं या फिर विश्लेषण करते हैं तो आप लिखेंगे विश्लेषणात्मक पद्धति, विवरण करते हैं तो विवरणात्मक पद्धति हो गया, ठीक है, इस प्रकार की पद्धतियां होती हैं। यदि आप साइंस का स्टूडेंट है तो वो कुछ वैज्ञानिक पद्धति, ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति के, बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ सर, ठीक है। सोर्स ऑफ डाटा, सोर्स ऑफ डाटा में आपका दो आता है, एक आता है प्राइमरी डाटा, ठीक है, एक सेकेंडरी, प्राइमरी डाटा है, एक आता है सेकेंडरी डाटा, और जहां तक मुझे लग रहा है लोग समझ पा रहे होंगे, प्राइमरी मतलब जो है,
प्राइमरी डाटा ये है कि आपका बुक हो गया, ठीक है, कोई भी किताबें हो गई, ठीक, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं वो आपका प्राइमरी डाटा है, ठीक है, जो आपका थ्योरीज है वो आपकी प्राइमरी डाटा है। सेकेंडरी डाटा क्या है, आपने इंटरनेट से कुछ लिया, आपने मैगजीन से कुछ लिया, आपने कुछ पढ़ा और किसी किताब का छोटा सा अंश आप ले रहे हैं किसी चीज से, सेकेंडरी डाटा। आप वेब सीरीज, टीवी सीरीज, न्यूज पेपर, जितना भी ऑनलाइन मीडिया है या फिर किसी के द्वारा बोला गया है, इंटरव्यू, सारा चीज सेकेंडरी डाटा है, ठीक है सर। उसके बाद वन ऑफ द लास्ट पॉइंट मुझे लग रहा है इथिकल कंसिडरेशन या नैतिक मूल्य पे कितना उभर के आता है, कितना तथ्यपरक है, कितना जस्टिफिकेशन, मतलब कितना न्याय संगत है, अच्छा कितना जुड़ाव है और कितना आगे चल के इंप्लीमेंट हो सकता है, इसकी कितनी प्रासंगिकता भी है, अच्छा कितनी प्रासंगिकता है। तो सभी चीज को, सभी चीजों का एक ही तात्पर्य है कि वर्तमान में आपका जो रिसर्च है वर्तमान में या वर्तमान सोसाइटी को कितनी हेल्प दे पा रहा है, ठीक है। यदि हम बात करें प्रेमचंद की, कबीर की, मीराबाई की, किसी पर भी रिसर्च किया, या फिर यदि इंग्लिश में भी जाएं, ठीक है, तो यदि हम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पे कर रहे हैं या फिर हम एलिजाबेथन पीरियड पे पूरा कर रहे हैं, तो वो एलिजाबेथन पीरियड पे कर रहे हैं तो वर्तमान में उसका क्या महत्व रह जाता है, या फिर हिंदी में कर रहे हैं तो प्रेमचंद, प्रसाद, निराला, इन सबका क्या महत्व रह जाता है और ये समाज को क्या एक पॉजिटिव वे में ले जा रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको दर्शाना पड़ेगा उद्देश्य, और उसमें आप कुछ अपने विचार भी जोड़ सकते हैं कि इसके माध्यम से यदि मैं ऐसा होता, मैं मतलब लेखक की जगह आप अपने को खुद रख सकते हैं कि यदि ऐसा होता तो बहुत अच्छा करता। लेकिन इसके अलावा आपको अपने आप से कुछ भी नहीं जोड़ना होता है रिसर्च में, आप याद रख लीजिए, जहां से भी आप जो कुछ भी लिख रहे हैं विथ रेफरेंस आपको लिखना होता है, लिखना होता है, ठीक है, रेफरेंस के बिना रिसर्च नहीं होती है। अच्छा, पहले लास्ट में कुछ एक दो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कुछ लोग पूछ रहे थे कितने नंबर ऑफ पेजेस होने चाहिए सर। देखिए, एक घंटे का टाइम है, 60 मिनट में मुझे नहीं लगता है कोई 5-6 पेज से ज्यादा, कोई ज्यादा मैक्सिमम 6 पेज हम लोग सब, हाँ 6 पेज, मतलब मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी वहाँ पे वो टाइटल गिवन होगा कि आपको इस पेज पे ये लिखना है। मान के चलिए आप एक घंटे में बहुत हाई स्पीड लिखने वाले हैं तो आप 1200 शब्दों तक लिख सकते हैं, उससे ज्यादा लिख सकते, ठीक है, और लोवेस्ट स्पीड वाले हैं तो आप 600-700 शब्द तक लिख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी पहले तो पेजेज आपके पास गिवन होगा वहाँ पे, हाँ, तो 5 ही पॉइंट्स है तो मेरे हिसाब से 5 पॉइंट्स 5 पेज वो लेके चलेंगे, लेके चलते हैं, और उसमें भी आप समझ जाओ कि एम्स हो गए, टाइटल हो गए, वहां पर हमारा काम बचेगा, क्योंकि हेडलाइंस भी हैं, और वहां हेडलाइंस भी है, वहां पे टाइटल डालने में 4-5 लाइन ही हमारा खर्च होना है, बाकी जगहों पे लेकिन लाइन भर जानी है, मेथोडोलॉजी में पूरा लाइन भर जाना है, इथिकल जो वैल्यूज है वहां पे तो पूरा भर जाना है। अच्छा, ये तो हो गया सर। उसके बाद सबकी जो वैल्यूज है वो क्या बराबर ही है, मतलब 10-10 मार्क्स का है। अच्छा, ये पूरा 10-10 ही है। हाँ, 5 है 10-10 है। अच्छा ठीक है, ओके, मतलब बच्चों को यहाँ पे ऐसा नहीं किसी टॉपिक पे बहुत जोर देना है, किसी पे नहीं देना है, उनको है कि पूरे को बराबर वे में अच्छे से लिखना है, चाहे आपका भले 4 लाइन का ही टाइटल है, चाहे आपका 6 लाइन का ही आपका एम्स है, सबको आपको प्रॉपर टाइम दे के प्रॉपर राइटिंग में लिख के बढ़िया से प्रॉपर में प्रेजेंट करना है। एकदम। अच्छा, और जो जो डाटा सोर्सेस होता है, ठीक है, जब कई लोग, कई बार क्या होता है कि हम लोग प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा LPA और APA मेथड क्या होता है, MLA मेथड और APA मेथड, जो कि रिसर्च में पूछा जाता है कि आप किस मेथड से अपने जो डाटा को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कि किस बुक से लिया, किस पेज से लिया, किस कौन राइटर रहे हैं, तो ये कुछ मेथड्स होते हैं। तो उसको जब मैं रिसर्च एप्टीट्यूड भी आप लोगों को जल्दी NTA का जो सिलेबस है वो यदि बदला नहीं होगा, अच्छा, मैं एक चीज अनाउंस भी कर देता हूं, हम लोग फ्यूचर में प्लान कर भी रहे हैं क्योंकि बच्चों की इंक्वायरी ठीक ठाक आ रही है, तो क्यों ना फ्यूचर में हम लोग दो चीज किया था, एक तो प्रॉपर पार्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर लाइक इसकी प्रिपरेशन रिसर्च एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, एक तो इसकी प्रिपरेशन हम लोग शुरू कराते हैं जो कि अब कल से हम लोग मीटिंग करके इस पे काम स्टार्ट कर दिया जाएगा, पहला। सेकंड है कि